नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग NPS ऐप्स के बारे में जानेंगे जो कि Google Play Store पर अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं इस NPS ऐप में कौन कौन सी सुविधा है जिसको हम लोग इस ऐप्स के माध्यम से जान सकते हैं। तो देखिए, NPS ऐप्स में सबसे पहले आप लोग NPS का बैलेंस चेक कर पाएंगे कि कितनी राशि अभी तक NPS में जमा हुई है, और दूसरा आप लोग उस NPS अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको NPS टाइप करना है और सर्च कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है। इसको मैं ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के स्क्रीन पर NPS ऐप्स का दिखाई देगा। तो इस ओवरव्यू में नीचे की तरफ तीन ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें रजिस्टर ऑनलाइन, पेंशन कैलकुलेटर और रिटर्न कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया रहता है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे क्लिक करके आप लोग रजिस्टर ऑनलाइन कर सकते हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। इसको रजिस्टर करने के बाद ही आप लोग NPS का ये अकाउंट खोल सकते हैं और यहां से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, और यहां से आप लोग इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। तो लॉगिन आईडी में आप लोगों को यहाँ पर प्रान नंबर अपना एंटर करना है। मैंने यहाँ पे अपना प्रान नंबर एंटर किया हुआ है, और नीचे आपका जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के समय आप लोग दिए हुए होंगे उसको जो है यहाँ पे एंटर करके रिमेम्बर प्रान करके लॉगिन करना है। रिमेम्बर प्रान करने से आप लोगों को प्रान नंबर आईडी के तौर पर बार बार भरना नहीं पड़ेगा। और नीचे रीसेट पासवर्ड है, जहाँ से आप लोग पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, और जैसे ही पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा NPS का अकाउंट खुल जाता है। इस ऐप्स में मेरा NPS का अकाउंट खुल जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले इस ऐप्स में कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ आप लोग देखिए दाएं कोने में होम का ऑप्शन है, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है और लॉग आउट है। और नीचे यहाँ पे आपका मेन बैलेंस दिखाएगा कि आपका NPS में कितनी राशि है, और यह यहाँ पे डेट शो करेगा, साथ ही साथ आपका नाम और प्रान नंबर नीचे दिखाई देगा, और यहाँ पे भी आपका टोटल टायर वन होल्डिंग्स में टोटल बैलेंस आपका शो करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि NPS का जो हम लोग का राशि है ये तीन बैंकों में विभाजित है, जिसमें SBI, LIC और UTI बैंक में यह तीनों राशि कंट्रीब्यूट है, जो कि अलग अलग परसेंटेज पर शेयर मार्केट्स में ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ है। तो इन तीनों का अलग अलग यहाँ पे आप लोग कंट्रीब्यूटेड परसेंटेज देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए SBI, LIC और UTI का
अलग अलग परसेंटेज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 34, 32 और 33 परसेंट के हिसाब से करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो SBI वाला SBI का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से इसका जो है फंड इसमें शो करेगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर में देख लेते हैं, यहाँ पे जो तीन डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले होम का आएगा, उसके बाद अकाउंट डिटेल्स, फिर कंट्रीब्यूशन इत्यादि का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, सबसे पहले प्रोफाइल सेटिंग में जाते हैं तो इस तरह का नाम दिखाई देगा जिसमें ईमेल और मोबाइल नंबर आपका शो करेगा और प्रान नंबर भी यहाँ पे शो करेगा। तो इस प्रोफाइल सेटिंग में सबसे पहले यहाँ से हम लोग अपने प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अपडेट योर टेलीफोन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ से आप लोग उसमें एंटर करके सेव कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे चेंज पासवर्ड भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा जानकारी था जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू आप सभी दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए।